Hello everyone, welcome back to my next Java lecture. And my name is Majid Shah from VZ Learning Channel. And आज के lecture के जो contents हैं वो again constructor से related ही हैं जो हमने last lecture में start किया था. हमारा कुछ ये course outline चल रही थी about constructors, so हमने उसमें कुछ topics देख लिए थे. What was constructor, why we use constructor and हम किस तरीके से उसको use कर सकते हैं. आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो कंस्ट्रक्टर पर ही होगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक्चुअल जो टारगेट करना है वो होगा हमारा कंस्ट्रक्टर की टाइप्स. ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, और ऐसा कंस्ट्रक्टर भी होगा हमने जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा. सो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा. स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की टाइप्स से रिलेटेड हमारे पास जो पहला आ रहा है डैट इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो क्या है. सो हमारा पहला टॉपिक आ गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है. बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या है. ओके, जो वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है आपके ऑब्जेक्ट, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देता है. ये जो अभी लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ही है और वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस वाली जो एग्जांपल्स मैं आपके सामने करूँगा. सो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. ओके, सो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास की बॉडी है. ओके, हम लोग क्लास बना लेते हैं और क्लास में हम लोग एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसका नाम है लेट्स सपोज इंडेक्स. ओके, एंड एक्स मैंने आपके सामने बना लिया. सो एक क्लास है ए और उसके अंदर ए की वेरिएबल है डेट इज़ एक्स. ओके, क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या तरीका था. क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्ट डेवलप हो मेमोरी में. और हम किस चीज़ को कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को. अब ये जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा हमने फोकस करना है. ओके, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको हमने आज फोकस करना है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कुछ इसी से रिलेटेड है. अभी जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है ए ऑफ बी जे इक्वल टू न्यू, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है. अब इससे होता क्या है ज़रा वो देखते हैं. कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा. ओके, उस बॉक्स का नाम हमने रख दिया ओ बी जे. ओके, ओ बी जे हमने यहाँ पे रख दिया. ओके जी, सो आपने ऑब्जेक्ट जब बनाया और उसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है आपने ओ बी जे. अब ये ओ बी जे जो है आपने किस क्लास का बनाया हुआ है, ए क्लास का. तो बेसिकली ओ बी जे बन रहा है इस क्लास का. ओके, ये जो ए क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है. ओके, नाउ ए जो है ये ए क्या चीज़ है. ए बेसिकली एक क्लास है, इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो. ए जो है वो हमारे पास क्लास है. ओके, और आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ए क्लास का. नाउ ए क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं. इस केस में हमारे पास एक ही वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसका नाम है एक्स. नाउ इसका मतलब ये है कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट इज इन दिस केस हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अभी ओबीजे, तो एक्स की कॉपी जो है एक्स यानी एक्स वेरिएबल जो है वो इस ओबीजे को मिल जाएगा. सो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ओबीजे के अंदर एक एक्स जो है वो आपके लिए डेवलप हो गया. ओके, ये अभी इस तरह हुआ है. ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ओबीजे टू और इसको न्यू कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका नेम होगा ओबीजे टू. सो मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ और ये बन गया ऑब्जेक्ट टू. और इसमें क्या हुआ है कि एक्स की एक कॉपी यानी एक्स का इसके पास भी एक्स आ चुका है. ओके, सो दोनों के पास एक्स आया हुआ है. ओबीजे वन वाले के पास अपना एक्स है, ओबीजे टू वाले के पास अपना एक्स है. इसी तरह जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते जाते हैं आपके पास जो वेरिएबल्स हैं यानी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इन दिस केस एक्स, वो आपके ऑब्जेक्ट्स को मिलते जाएंगे. ओके, नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से और वो ये है कि अभी एक्स की क्या वैल्यू है. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एक्स की वैल्यू क्या है. अब आप देख रहे हैं कि हमने तो कहा था पिछले लेक्चर में कि वेरिएबल्स को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे होते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यानी इसको इनिशियलाइजेशन का मतलब कि आप उसको कोई वैल्यू दे रहे हो. अभी आप देख सकते हैं एक्स में दोनों बॉक्सेज जो हैं वो एम्प्टी हैं, कोई वैल्यू हमने नहीं दी हुई. नाउ तो मैंने क्वेश्चन ये किया है कि क्या अभी एक्स की कोई वैल्यू है. और आपको पता है कि वैल्यू देने के लिए जो चीज़ यूज़ होती थी वो थी कंस्ट्रक्टर. ओके, जिसका नाम क्लास के नेम की तरह था, जो आगे पैरेंथेसिस थी और उसकी
पैरेंथेसिस के बाद उसकी बॉडी थी और उसमें हम लोग इसको इनिशियलाइज करते थे लाइक दिस वन। मैं लिख देता हूँ, एक्स को हम देते थे कोई वैल्यू और फिर हम उसको क्लोज करते थे। ये आपका कंस्ट्रक्टर था। लेकिन अगर आप अभी की एग्जांपल देखें, अभी की जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सिर्फ चेक करें, ये क्लास है, इस क्लास के अंदर तो कोई भी कंस्ट्रक्टर अभी तक नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आपने इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, ओबीजे बनाया, ओबीजे टू बनाया एंड सो ऑन, अगर मैं इस वक्त ओबीजे को कहूँ, यानी इस ओबीजे को मैं कहता हूँ, ये जो आपने पहले वाला बनाया ओबीजे, कि आप जाओ और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो, ये मैं कहता हूँ इसको, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको मैं कहता हूँ ओबीजे को कि आप जाओ और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लो। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया और किसको कहा? ओबीजे को, ये वाला जो है इसको मैंने कहा कि आ जाओ और आप एक्स को, आपके पास जो एक्स है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। इसी तरह हम कहते हैं कंट्रोल जे एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ओबीजे टू, आप भी जाओ और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। क्वेश्चन ये है कि अभी तो वैल्यू इनिशियलाइज हुई नहीं है, ओके, एक्स को तो कोई वैल्यू दी नहीं गई, तो क्या आंसर होना चाहिए? ओके, अभी ये प्रॉब्लम है, इसको हमने देखना है कि अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दोनों के पास अपनी अपनी कॉपीज आ गई एक्स की, और एक्स में अभी तक कोई वैल्यू है भी नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओबीजे डॉट एक्स ओबीजे टू डॉट एक्स, ये हम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? तो अब ज़रा देखते हैं हमारा टॉपिक, और वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि आपकी क्लास में है। ओके, अभी ये जो आप, मैंने आपके सामने छोटी सी क्लास बनाई है ना, क्लास ए, और उसकी बॉडी है इंडेक्स है, इसके अंदर है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके, और वो आपका कंपाइलर जो है बनाता है। ओके, और वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो आपने नहीं बनाया लेकिन कंप्यूटर ने आपके लिए बना दिया, और वो आपके इस वेरिएबल को जो कि इस केस में है एक्स, उसको वैल्यू देगा। अब वो क्या वैल्यू होगी? वो इस केस में होगी ज़ीरो, क्योंकि आपका एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो जब आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो वो उसको डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर देगा ज़ीरो, और जब आप लोग करेंगे ओबीजे डॉट एक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे तो आपको जो आंसर आने वाला है वो है ज़ीरो। ओके, ये मैंने एक छोटा सा स्केच सा बनाया है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है कि जब आप लोग क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, आप देख सकते हैं कि मैंने इस किस्म का कोई काम भी, ये जो अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऐसा कोई काम भी नहीं किया हुआ आपने इस क्लास के अंदर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होगा कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो आपका कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देता है और आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देता है विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अभी मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है कि वो होगी ज़ीरो। ओके, तो ये बेस करता है डेटा टाइप पे, इंटीजर है तो उस केस में आ जाएगी वैल्यू ज़ीरो, डबल है तो वैल्यू आ जाएगी 0.0, स्ट्रिंग है तो वैल्यू आ जाएगी नल। ओके, ये सारा भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। सो ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्लास का नाम रखा हुआ है जावा एप्लीकेशन 19। सो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। ओके, सो अभी आप ज़रा इस कॉन्सेप्ट को देखते जाएँ। क्लास का नाम है ए, तो आप समझे कि वहाँ पे जो मैंने क्लास दी हुई है उसका नाम ये है जावा एप्लीकेशन 19। आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम को कोई इशू नहीं है। कौन सा वेरिएबल? एक, कितने वेरिएबल हैं? एक ही। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्लास के अंदर बनाया हुआ। ओके, ये क्लास है। ओके, सो ये क्लास है। ओके, क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया हुआ मैंने, क्लास यहाँ पर एंड हो रही है। सो मैं यहाँ पर बनाता हूँ इंट टाइप का एक वेरिएबल एक्स, ठीक हो गया। सो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इससे क्या हुआ कि आपके पास क्लास जो है वो डेवलप हो गई विद वन वेरिएबल डेट इज़ एक्स। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का, तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए। ओके, सो हम देख लेते हैं, हम मेन में आते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मेरी क्लास का नाम क्या है? जावा एप्लीकेशन 19, और इसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ओबीजे वन न्यू जावा एप्लीकेशन 19। ओके जी, जो इस स्टेटमेंट से बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, मैंने इसका नाम ओबीजे वन रख दिया है, आप खैर इसको ओबीजे कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। तो अभी क्या हुआ है, बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट, आप इस एरिया को फोकस करें, ये जो है, ओके, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ओबीजे बने। ओके, और ओबीजे के लिए ये जो बॉक्स इंटरनल,
ये जो सेकंड नंबर पे बॉक्स है, ये जो थोड़ा सा डार्क सा है, ये ओबीजे बन चुका है, ये पूरी मेमोरी डिजर्व हो गई और उसके अंदर एक्स बॉक्स बनेगा। ओके सो अभी इस स्टेटमेंट से ये हो रहा है, सिर्फ ओबीजे के लिए एक्स जो है वो उसकी मेमोरी में आ चुका है। ओके अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है? आंसर है नो, क्योंकि मैंने तो इनिशियलाइज़ किया ही नहीं है अभी इसको, तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि क्या होता है, ओबीजे को मैं कहता हूँ कि तुम जाओ और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो, ये मैं इसको कह रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं से कह रहा हूँ कि तुम प्रिंट करो, देखें क्या आंसर आता है। आप देख सकते हैं आंसर जो आया है वो है ज़ीरो, ये देखें यहाँ पे आंसर आया है ज़ीरो। अब ये क्वेश्चन है कि ये ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, हमने तो ज़ीरो कहीं दिया ही नहीं है, ये ज़ीरो वैल्यू आ कहाँ से रही है? ओके अब ज़रा इस पर फोकस करना है आप लोगों ने। ओके अभी अब ज़रा देखें, मैं कोड टाइप ले लेता हूँ, कौन से ले लूँ, मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज डबल टाइप की, एक वेरिएबल ले लेता हूँ वाई। ओके सो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह एक्स ओबीजे को मिला था, अब वाई भी साथ उसको मिल जाएगा, दो वेरिएबल्स हैं ना, तो अब दो वेरिएबल्स की कॉपीज उसके पास आ जाएंगी। इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, कौन सा वाला बॉक्स है ये, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसके साथ एक्स के साथ साथ आ गया इसके पास वाई भी आ गया। ओके तो जितने वेरिएबल्स आप ऊपर डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को, उतने वेरिएबल्स मिलते जा रहे हैं। तो पहले था एक्स, अब आ गया आपके पास वाई भी, तो अब दो हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि वाई किस टाइप का है, ये तो डबल टाइप का है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि तुम जाके अब जैसा तुमने एक्स को प्रिंट किया, तुम वाई को भी प्रिंट करो, किसको कह रहा हूँ मैं, ओबीजे को। और आपको पता है कि ओबीजे के पास एक्स है, तो ओबीजे के पास वाई भी आ गया है। तो हम जिस तरह हमने कहा था ओबीजे एक्स को प्रिंट करो, अब मैं कहता हूँ ओबीजे किसको प्रिंट करो, वाई को। अब वाई किस टाइप का है, डबल टाइप का। अब आप यहाँ देखेंगे कि 0.0 भी आया होगा, ये देखें ज़ीरो तो पहला वाला आ रहा था और अब 0.0 भी आ रहा है। अब क्वेश्चन ये कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन दे रहा है इसको। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल नेम, लेट सपोज मैंने अभी तक इसको कोई नाम दिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ओबीजे आप जाओ और नेम वेरिएबल को भी प्रिंट कर दो। अब वो जा तो रहा है और प्रिंट भी कर रहा है, लेकिन अब तो आपको पता है कि उसमें तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे नल लिखा हुआ आएगा, यहाँ नल लिखा हुआ रहा है। अब ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और ये क्यों आ रही हैं, इसके पीछे रीज़न देखें। इसके पीछे असल में बैठा हुआ है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जरा इस डायग्राम पे और चेक करें, ये जो क्लास मैंने बनाई थी उसमें एक्स को वैल्यू आ रही थी ज़ीरो, जब हमने ये लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओबीजे डॉट एक्स, आंसर आ रहा है ज़ीरो। क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है आपकी क्लास के अंदर ही। ये तब होता है जब आप लोग अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, आप देख सकते हैं इस क्लास में मैंने कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनाया जो इसी नाम का हो, मैंने नहीं बनाया हुआ। जब आप नहीं बनाते तो कंप्यूटर इसमें खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है, और उसका काम क्या होता है कि वो आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट उनको वैल्यूज असाइन कर देता है। जैसे वो बेस्ड ऑन डेटा टाइप, अगर इंट है तो ज़ीरो कर देगा, डबल है तो 0.0 कर देगा, स्ट्रिंग है तो नल कर देगा। ये आपका करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके ये आपको नज़र नहीं आता, ओके ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो क्लास के अंदर है, लेकिन वो कंपाइलर खुद ही करता है, आपने नहीं लिखा कोड, आपने कुछ भी नहीं लिखा, वो कंप्यूटर आपके लिए खुद ही डेवलप कर देगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ और वो ये है कि आपने फाइंड करना है कि ये कहाँ पर हो सकता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। है तो क्लास के अंदर ही, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा और आपने ना इसको लिखा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ पर होता है, किधर बैठा होता है, कहाँ नज़र हम देख सकते हैं या किस तरह हम इसको जज कर सकते हैं, करता तो कंपाइलर है लेकिन वो किस लोकेशन पे हो सकता है वो आपने फाइंड करना है। ओके सो ये हमारा लेक्चर था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आपकी क्लास के अंदर होता है, आपने कोड नहीं किया होता उसका, वो खुद ही कर देता है कंपाइलर, कब, जब आपने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। अब ये सब हो क्यों रहा है, क्वेश्चन ये कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और क्यों हमें बताया जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या है। देखें मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा है, आप उसको गौर से ज़रा देखिएगा, मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था, मैं आपको अभी थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट बता यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कर भी देता हूँ। वो ये कि हम लोग बनाते हैं क्लास, लेट्स सपोज क्लास का नाम है ए, हम बनाते हैं क्लास, क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, ओके ऑब्जेक्ट होता क्या, अब मैं आपके सामने दो चीज़ें लिख रहा हूँ, आप ज़रा देखें। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, लेट्स सपोज अली,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, लेट सपोज येलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, लेट सपोज 12। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, नेम है अली, कलर है येलो, रोल नंबर है 12, ये आपके सामने लिख दिया। अभी ये जो चीज़ आपके सामने बनी है, ये जो पूरी चीज़ आपके सामने बनी है, दिस होल थिंग इज कॉल्ड है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट है ये पूरी पूरी चीज़, ऑब्जेक्ट है। यानी रियल वर्ल्ड में ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन है? अली। अली का नाम है, अली का कलर है, अली का रोल नंबर है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह का कोई और बंदा भी हो सकता है? क्या कोई और बंदा हो सकता है जिसका नेम हो, जिसका कोई कलर हो, जिसका कोई रोल नंबर हो? तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन नेम। अभी जो नेम है लेट सपोज वो है खान, कलर है लेट सपोज उसके पास कोई कलर है वो है लेट सपोज ग्रीन, और रोल नंबर है उसका लेट सपोज 13। अभी आप ज़रा नोटिस करें कि ये जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है ये एक अलग चीज़ है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये अलग चीज़ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि इनके नेम डिफरेंट है, आप देख रहे हैं इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। नाउ इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इनटू टू पार्ट्स, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट साइड पे जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वैल्यू। इधर भी लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टीज हैं, राइट साइड पे वैल्यूज हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन है क्या इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ कॉमन है? अगर आप चेक करें यहाँ पे भी नेम है, कलर है, रोल नंबर है, यहाँ पे भी नेम है, रोल नंबर है, कलर है और रोल नंबर है, ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। कॉमन चीज़ें हम उठा के रखते हैं क्लास में। ओके, कॉमन चीज़ें हम उठा के रखते हैं क्लास में। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम है हमारे पास कॉमा, कलर है हमारे पास कॉमा, रोल नंबर है, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर इनकी वैल्यूज़ ही नहीं है, अगर इनकी वैल्यूज़ है ही नहीं, ठीक है, नेम है आपके पास, कलर भी है आपके पास, रोल नंबर भी है आपके पास, लेकिन अगर इनकी वैल्यूज़ नहीं है आपके पास, तो क्या ये कुछ चीज़ शो कर सकते हैं आपको? जैसे अभी शो किया जा रहा है कि यार नेम कौन है, अली है, कलर क्या है, येलो है, रोल नंबर क्या है, 12 है, ये प्रॉपर चीज़ आपको रियल वर्ल्ड में शो की जा रही है। कैसा कोई बंदा है जिसके पास कलर है येलो, रोल नंबर उसका 12 है, नेम है अली, तो दैट इज़ अ रियल थिंग। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये वाला पार्ट कैंसिल कर दूँ, ये पार्ट अगर हम लोग कैंसिल कर दें ये वाला, तो फिर तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेम, कलर, रोल नंबर किसका? नेम, रोल नंबर, कलर किसका? किसी का भी हमें पता नहीं लग रहा। सो कहने की बात यह है कि नेम को जब आप वैल्यू देंगे, कलर को जब आप वैल्यू देंगे, रोल नंबर को जब आप वैल्यू देंगे, तब जाके ये चीज़ कंसिडर होगी ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपने ये सब तो देख लिया कि ठीक है वैल्यू तो बड़ी ज़रूरी है, तब तक इसके बगैर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन ही नहीं सकता। तो अब आते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि ये आपके लिए रियल ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट बनाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक्स तो बन तो गया है, वाई भी बन गया है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा है? नो। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देता है। इसको दे देगा 0 और दूसरे वाले को दे रहा है लेट सपोज क्या था, उसने डबल लिया था 0.0। तो इससे बेसिकली ये रियल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये चीज़ें आएंगी तो सही, लेकिन वो एम्प्टी होंगी, तो जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वही वाला केस हो गया जो मैं आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा था कि वेल नेम्स, ये प्रॉपर्टीज तो आ जाएंगी सब के सब, लेकिन कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या? ये तो आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डिमांड करता है वैल्यूज़ की, ऑब्जेक्ट डिमांड करता है वैल्यूज़ की। कुछ अजीब सा लिखा गया लेकिन चले। तो अगर वैल्यूज़ देंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यही काम है कि अगर आपने उसको वैल्यूज़ नहीं दी, आपने इनिशियलाइजेशन खुद नहीं की, तो वो आपके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देगा, और इस केस में इंट के लिए आ जाएगा 0, डबल के लिए आ जाएगा 0.0, और स्ट्रिंग के लिए आ जाता है नल। ओके, सो ये है आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा कि आपके ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट बनाता है ये, उस केस में जब आपने खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। ओके, सो इस लेक्चर में हमने जो आज टाइप पढ़ी है कंस्ट्रक्टर की, वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो आज हमने देखा है। होपफुली आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल वर्ड्स में ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हम लोग नहीं लिखते क्लास में,
अगर हम क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो वो खुद से एक बना देगा जो हमें नज़र नहीं आता, और उसका काम क्या है कि वो आपके वेरिएबल्स को वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है। और उसका आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया है कि जब मैंने यहाँ पे इन दोनों को वैल्यूज़ नहीं दी, इन तीनों को, बट फिर भी मैंने जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया तो वो प्रिंट होके आ रहे हैं आपके सामने। ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा है, ओके, ये यहाँ पे है लेकिन आपको नज़र नहीं आता। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आप इसको देख लें, कोई इश्यू हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी है, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।